हेलो दोस्तों, मैं मनजीत जीत न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मौजूद हैं पेहुआ हलके के अरनेचा गांव में, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मनदीप चट्ठा जी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा चुनाव के बारे में कैसा रुझान उनकी पार्टी का चल रहा है। स्वागत है जी आपका मेरे जीत न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है जी माहौल, आप गांव गांव घूम रहे हैं जी? देखिए, मैं पूरा हलका घूम चुका हूँ और हर तरफ से एक ही आवाज़ है कि भारी नाराज़गी है सरकार के प्रति। पिछले 5 साल में केवल बातें और ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। लोग परेशान हैं और फैसला कर चुके हैं कि भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अच्छा जी, तो आप सत्ता में, चलो पहले भी यहाँ पे 10 साल आपके पिताजी रहे, हाँ जी, और उसके बाद में अब आपका कोई एक और ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा जो अगर आप सत्ता में आते हो पावर में? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो जिस तरह का लोगों का आगे से जनता का होगा कि ये चाहिए ये चाहिए, वो उससे पता चलेगा जी। ड्रीम प्रोजेक्ट तो जब सरकार आएगी और बनेंगे उसके बाद की बातें हैं कि क्या क्या होने वाला है। हाँ जी, ये 152 डी रोड है जो उसको लेकर के बैठे हैं जी 11 गांव के लोग धरने पे। हाँ जी, मुआवजे की बात है उनका, ये है कि दूसरी तरफ मुआवजा ज्यादा मिला उनको कम मिला, तो वो होना चाहिए। जो किसान है, किसान की जमीन में से सड़क निकली है, तो वो जो मुआवजा सबका है वो उनका भी हक उनको मिल जाना चाहिए। अच्छा जी, अगर आप आते हो तो वो उन पे गौर करोगे? हाँ, जरूर गौर करेंगे जी। मुख्यमंत्री जी जो भी होंगे, कांग्रेस के बनेंगे, उनके पास उनको लेके जाएंगे और उनका जो भी है उसको जरूर गौर किया जाएगा। अच्छा जी, तो पूर्व मंत्री सरदार जसविंदर सिंह संधू जी, स्वर्गवासी जी, तो उनके बेटा गगन संधू जी आपके साथ हैं, तो कितना साथ आपको लग रहा है? बिल्कुल पूरा साथ है जी उनका, तन मन से वो हमारे साथ है। वो शायद यहाँ पर अरनेचा वाले कार्यक्रम में भी आएंगे किसी। हाँ जी, हुई थी मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आज वो आपकी पार्टी के जो पहले रहे हैं जी, वो उन्होंने वो दे दिया इसको, अशोक तंवर जी ने JJP को समर्थन दिया अपना, आज दिया समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कौन सी सीट पे? के पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में दिया है। तो जी, आप उसके बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पेवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का। अच्छा जी, हाँ जी। तो और आप मेरे दर्शकों को जी क्या कहना चाहोगे जी? मेरे दर्शकों को जी आप क्या कहना चाहोगे? बस ज्यादा से ज्यादा वोट करें जी। जो पहली बार मतदाता हैं वो भी सभी वोट करें जी। कोई भी घर पे ना रहे, क्योंकि मतदान और वोटिंग सबका अधिकार है और सभी मिलके, ये तो एक त्योहार होता है वोटिंग, तो सब लोग करें जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं भी जी। हाँ जी, तो ये सुनी जी इनकी बात। तो आपने इस वीडियो को देखा जी अंत तक।